पंजाब के लोगों ना बेहतर सेहत सहूलत देने की कमिटमेंट की है, वो आसे पास रवाने। 2017 तो भी तक 3000 करोड़ रुपया सेंटर वालों आया तो पता ही नहीं लग रहा किधर गया, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीएम साहब ने मार करती है। आयुष्मान जी योजना है उसके पाबंदी कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं रोक। आयुष्मान जी योजना है देश की केंद्र सरकार की, जिसे 60% उन्होंने देना, 40% सूबे ने हिस्सा पाना है, वनू लैके खबर जी जिक्र कर रहे हो। देखो मैं स्पष्ट करना चाहना थोड़े राही, आयुष्मान योजना बंद नहीं की, सारा मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, सीएम साहब द्वारा वो मोनिटरिंग हो रही है, बिकॉज आयुष्मान जी योजना वो राही भी करोड़ों रुपया के घपले जोड़े आोष है अंदेशे आ, और पैसा रोकया नहीं गया, सिर्फ तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और बहुत इमीजिएटली सीएम साहब इस फैसला ले लेंगे। असी पंजाब के लोगों ना बेहतर सेहत सहूलत देने की कमिटमेंट की है, वो आसे पास रहेंगे। हाँ लेकिन जेडे घपले घोटाले स्कैम होए, और तुसी देखिया होना नॉट ओनली आयुष्मान, ईवन जेड़ा अनाज घोटाला होया 31,000 करोड़ का, जिदी 300 करोड़ की किस्त असी हर साल दे रहे हैं, और पिछले दिनों जेड़ा एससी बच्चों की स्कॉलरशिप वाला भी आया कि 2017 तो बाद भी 2017 तो भी तक 3000 करोड़ रुपया सेंटर वालों आया तो पता ही नहीं लग रहा किधर गया, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीएम साहब ने मार करती है। सो ये चीज़ वो जुड़ी हुई है, आयुष्मान जी योजना है वो पाबंदी कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं रोकया, लेकिन हाँ इन बिटवीन कुछ दोष आए थे, कुछ जांच के मामले आए थे, करके सीएम साहब ने वो सारी रिपोर्ट मंगी है, इमीजिएटली कह रहे हैं कि कई बार मैं तो गल ही क्लैरिफाई करती ना, ये योजना कोई बंद नहीं हो रही, कोई फंड रोके नहीं गए, हाँ सिर्फ कुछ मामले आए थे इन्वेस्टिगेशन के, इस करके टाइमिंग रोकया गया है, और बहुत जल्दी शुरू फिर कर दिया।